आगने व्यापारी भाइयों, अमरज्योति डायरेक्टरी से हनुमान बल जैन गोलचा का सादर नमस्कार। आज मैं 48 साल 50 साल से परिचित पुराने परिचित श्री रमेश कन्वेंशन एजेंट के मालिक श्री रमेश जी से बंसल जी से और उनके सुपुत्र श्री महेश बंसल जी, आज दोनों ही पुत्र कितने साल से यहाँ कार्य में हैं और इनको मैं 48-50 साल से जानता हूँ। उनसे मैं जानकारी चाहूँगा कि भाई रमेश जी कब से व्यापार शुरू किया, कैसे किया, किस तरह किया, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, साक्षात करने के लिए और इनका अभिनंदन करने के लिए इनकी दुकान पर पहुँचा हूँ। भाई रमेश जी नमस्कार। तो रमेश जी आप थोड़ा सा बारे में अपना बताइए, व्यापार कब से कैसे क्या शुरू किया है? मेरे को हनुमान जी 46-47 साल करीब। कौन से साल से? 1972 से मैं बाजार में आया। 72 से? हाँ। तो आप अकेले आए थे या पिताजी का कोई? पिताजी तो मेरे हारमोनियम थे, अकाउंट का काम करे रहते। अच्छा। रामगोपाल संतराल के यहाँ पर। अच्छा जी। तो उनके पुत्र उनका पिताजी यहाँ ले आए, आपके समक्ष यहाँ खड़ा कर दिया, आपकी सेवा में। तब से आप मेरे पिताजी का तो यही में आपको स्वतंत्र व्यापार हो गए। हाँ, बाबूजी तो अकाउंटेंट का काम था ना हमारे बाबूजी का। अच्छा अच्छा, उनका वो नहीं था ना। तो करी या कैसे शुरुआत? पहले शुरुआत से ही थोड़ी सी लोकल देखा, पहले कच्चे माल का काम देखा, मूंग उड़द का काम देखा, तुअर का, उसके बाद फिर हरी मटर है, मतलब सभी चीज देखी। फिर वो ऐसे ऐसे दालों में उतर गए, ये वो सब दालों का काम है। कौन सी दाल का? मतलब तुअर दाल में और मूंग दाल, मसूर दाल, तो भगवान ने ऐसी मुझसे कृपा करी है। मैं भी आपसे 45 साल से परिचित। हाँ, 45-46 साल तो अपन बराबर के, मतलब परिचित में है। मैं जब से आया हूँ, जब आपको देख रहा हूँ, जब से छोटी डायरेक्टरी से शुरुआत करी थी। हाँ, बस। अब ये डायरेक्टरी का जो लाया हुआ सुराय के साथ में, इसके बारे में और श्री महेश, अभी महेश जी अपने सुपुत्र, शहर कैसे क्या किस तरह के? 6-7 साल तो उसको नजर हो गए। 7 साल हो गए? ये कल की बात है, लेकिन इसने काम जो है लोगों से बड़ा विश्वास जीता है। अच्छा अच्छा, व्यापार में इसका भी आपकी तरफ व्यूज आ रहे हैं? ये भी जो है मिलन साहब के साथ साथ हमने एक जिन बात रखी हुई अपने ऊपर कि ना तुमने किसी झूठ बोल रही है ना किसी से बेईमानी कर रही है। बिल्कुल ठीक है, अपने व्यापार को नदी की तरह लेके चलना है। नहीं नहीं, ये भी आपका पुत्र जो है, ऐसा मेरे भतीजे कह सकता हूँ। जब भी देखता खड़ा रहता है, अंकल जी आओ बैठो बैठो, इसका भी बहुत कुछ है। ये सब संस्कार है। संस्कार है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये नया बाजार का कैसे क्या है, डायरेक्टरी के बारे में या बाजार के बारे में थोड़ा सा? हमने तो एक बात देख ली, जो आप लोग जो काम कर रहे हो ना, वो सरहना काम कर रहे हो बस। अभी डायरेक्टरी तो शुरू किया है ये। मैं को आपने इतना बढ़िया काम कदम उठाया, बहुत बढ़िया कदम उठाया, लोगों की मतलब हर तरह से व्यापारी आदमी का फायदा ही फायदा है। जान के एक दूसरे नजदीक में आ गए व्यापारी आदमी, एक दूसरे के नजदीक बहुत से आदमी ऐसे मिलते हैं, फर्म का नाम नहीं पता, फर्म का पता है तो नाम का नाम नहीं पता, शिकल से जानते हैं। ठीक है, आपने एक दूसरे को क्लोज जो लाए ना, आपने ये पुण्य का कार्य भी करा, एक दूसरे के मतलब जो नजदीक किया है ना, वो आपने बहुत बढ़ाई है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेरी कोशिश यही है। हाँ। कि ब्रज बराबर व्यापारी भाई एक साथ मिले संकट से। ये जो कदम उठाया ना आपने, ये पहला जो कदम उठाया आपने, इसका ये मतलब, इसका तो हम आपका इतना आभार प्रकट करते हैं, जिसके हम अतुल्य आभार प्रकट करते हैं। यार क्योंकि बच्चों को जो शुरू करो, मैं वैष्णव भी तैयार हो रहे हैं। हाँ। शुरू कर रखा है समाज का ही। अरे समाज, आप अंकल का एक ग्रुप भी है जिसमें अंकल खाली यही काम कर रहे हैं, सिर्फ बायोडाटा वाला, जिसमें सिर्फ बायोडाटा ही ले रहे हैं और यही काम, मतलब ये लोगों के लिए। हनुमान जी महाराज, ये प्रभु की आप ऐसे कृपा बढ़ी रहे, तो ये कहेंगे प्रभु की ऐसी मचिंग बनी रहे, इतना जो सुंदर आपका
धार्मिक कार्यक्रम जो कराया ना आपने धर्म का, छोटी छोटी नदियों को, जैसे हम छोटी छोटी नदी है उनको जोड़ा आपने, अपने समुद्र में लाके सबको इकट्ठा कर दिया, छोटी छोटी नदी एक तह की उनको जोड़ा जोड़ा है आपने, एक वो समुद्र में लाके सबको इकट्ठा कर दिया, कर दिया। ये एक धर्म का कार्य भी बहुत बड़ा काम करा आपने, आपकी तारीफ है ना, कितनी करा आपका भतीजा जो है ना, आप इतनी तारीफ करते हैं जब बाहर जाते हैं। अच्छा, अरे क्या कहूँ हनुमान जी, बहुत बड़ी तारीफ होती है। अच्छा साहब, आप तो तारीफ करते हो, मैं तो आपको जानता हूँ जब से बाजार में आया हूँ। ये ठीक बात है, लाला अमरनाथ मोलूराम परमानंद वाले लाला मोलूराम जी भी आपकी, तो मैं जब से जानता हूँ मैं तो आपको, नहीं रहे लाला फकीर चंद जी थे, नहीं रहे, लेकिन भाई जुड़े हुए तो उनसे, वो शुरू से जुड़े हुए उनसे, लेकिन आज जो हमारे भतीजा जो बाहर जाता है ना, भतीजा जाता है जो बाहर, तो उससे पूछो आपकी तारीफ क्या होती है, जहाँ जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, चाहे राजस्थान जाओ, चाहे एमपी जाओ, चाहे कर्नाटक जाओ, जहाँ जाओ तो आपको ना बताए अंकल। मैं अभी राजस्थान की मंडी में गया, महाराष्ट्र की मंडियों में घूम के आया, तो वहाँ पे आपका नाम डायरेक्टरी वाले हनुमान जी के नाम से पूरे सब जगह मशहूर है। अच्छा, और जैसे जिन मिल वालों ने मेरे को ये बताया कि हनुमान जी हमें जानते हैं, तो मैंने कहा अगर आपको मिलना है तो आप हमारी गद्दी पे आओ, हनुमान जी से हमारा बहुत प्यार प्रेम है। अच्छा, और आपके संघर्ष के बारे में तो मेरे को बाजार में जब पहले दिन से आ रहा हूं ना, जब से पता चल रहा है, आप लोग बुजिया पापड़, मतलब आपका अतीत बड़ा उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे, और मैं हैरान था मतलब देख के, कुछ हमारे आपके और पापा के खास मित्र है, कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को बताते हैं कि बेटे अगर तेरे को कुछ सीखना है, जीवन में बनना है, तो हनुमान जी से तू कुछ प्रेरणा स्रोत बना इनको। अच्छा, शुरू से लेके मतलब कितने उतार चढ़ाव आपने, कहां से अपना जीवन की शुरुआत करी और आज किस पड़ाव पे आप लोग आए हो, और ई ट्रेड डायरेक्टरी के माध्यम से आपने इतने व्यापारियों को एकजुट कर दिया। मैं मतलब आपको जो आप बोलते हो ना कि तू बार बार खड़ा क्यों जाता है, वो आपके दिए हुए संस्कार है, हमारे पिताजी के दिए हुए संस्कार है, जो मेरे को खड़ा कर देते हैं कि मैं इन जैसा शायद इन जैसा कभी जीवन में बन सकूं। ओहो, बहुत शुभकामनाएं, मतलब मैं ऐसा संघर्ष किसी का ना देखा, और मैं बार बार आपको मतलब प्रणाम करता हूं कि ऐसा काम कोई अगर दुनिया में कर सके तो बहुत अच्छा काम है, बहुत प्रेरणा स्रोत काम है, और मैं यही प्रार्थना करता हूं ये काम ऐसे ही बढ़ता रहे, उम्र के इस पड़ाव में आके आप बिल्कुल बिना रुके और ऐसे चलते जा रहे हो, एक तरफ चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, मैं भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग चलते रहे और आशीर्वाद मनाए रहे, ऐसा काम चलता रहे। जो बाजार के पापा के तो कुछ खास मित्र हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, अमरनाथ भाजी हैं, अमरनाथ अजय कुमार वाले, रामोतार जी हैं लालेश्वर पे, रामोतार भाजी आरसी गोल दाल उद्योग वाले, फकीर चंद भाजी के पास पहले पापा मेरे को एक दो बार लेके गए, तो वहां जब भी जाएंगे आपके नाम की चर्चा जरूर हुई। एसएस फूड वाले विमल जी हैं, दयानंद जी हैं इधर फूड वाले, यहाँ जब भी गए आपके नाम की तारीफ मतलब हुई हुई है कि भैया अगर तुम्हें कुछ बनना है तो हम तो कुछ भी मेहनत नहीं करते, जितनी मेहनत आपने करी हम आपके आसपास भी नहीं आ सकते, इतनी मेहनत हम कभी जीवन में नहीं कर सकते जितनी आप अभी भी कर रहे हो। महेश भाई मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये संस्कार बनाए रखो और ऐसे ही काम करते रहो, जो आशीर्वाद रमेश भाई आप तभी खुश कर दी भतीजे ने, आज मुझे लग रहा है कि भतीजा प्रणाम क्यों करता है, ये जब से करता है ना मैं भावुक हो जाता हूँ, इसे मेरा हाथ इसके सिर पर हमेशा इसके सिर पर आता रहता है। ये संघर्ष अंकल, ऐसा संघर्ष अगर कोई कर लेना जीवन में तो बहुत बड़ी चीज है, आप गिने चुने आदमी हो, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हो, हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, इतनी मेहनत करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की इतनी सेवा करना बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं बेटा, आज मैं नमन तो नहीं करता, मैं खूब तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, बनाए रखना, धन्यवाद।